सुपर डुपर महाराजा थाली लग रही है, अब रुका नहीं जा रहा, अब इन चीजों को टेस्ट करना तो बनता है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज का दिन ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन यार दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस टाइम, और आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो, वहाँ पर कैसा मौसम है मेरे साथ शेयर तो ज़रूर करना। और यहाँ पे तो इतना ठंडा हो रहा है कि यार कि मैं क्या ही बोलूँ, सुबह सुबह उठने का बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन सुबह सुबह काम तो करने ही पड़ते हैं। से आज संडे है, संडे का दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि यार बाकी दिन तो भागा दौड़ी लगी रहती है, लेकिन संडे को तो हम रिलैक्स होकर जी ही सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेड लगा देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद वही सबसे ज़्यादा मुझे मैसी दिखाई देता है घर में। और आजकल तो ब्लैंकेट हमेशा ही बेड पर रखा रहता है, क्योंकि यार कभी भी ठंड लगती है तो ब्लैंकेट में घुस जाओ, थोड़ा सा गर्मी ले लो। और सुबह सुबह मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि यार ये मोटे वाले सॉक्स हैं, क्योंकि पैरों से सबसे ज़्यादा ठंडी चढ़ती है। और फिर पता है विंटर में ना एड़ियाँ बहुत जल्दी फट जाती हैं अगर आप पैरों का ख्याल ना रखो तो। उठने के बाद सबसे पहले बालकनी में ज़रूर जाती हूँ, और बालकनी में आज मैंने देखा बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। आज ही नहीं बल्कि कई दिनों से यहाँ पर पूरा टाइम कोहरा छाया रहता है, जबकि ये बहुत सुबह का भी टाइम नहीं है। अगर इससे भी सुबह का दिखाती तो आप बिल्कुल भी सामने वाली बिल्डिंग्स नहीं देख पाते। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने फिर मिल्क उठाया, क्योंकि चाय बनानी थी, मिल्क को बॉयल करना था। कुछ तो सुबह के डेली के ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम आँख बंद करके भी करें ना तो हम वही काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे रूटीन में इतना ज़्यादा शामिल हो जाते हैं कि हम भूल भी जाए ना तब भी हम बोल नहीं सकते। तो ये सुबह सुबह मैंने एक ग्लास गर्म पानी ले लिया, और आजकल विंटर हो या समर मेरी आदत है कि मैं मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आपको पता ही है जनवरी 13th एंड 14th दोनों ही डेट में बहुत अच्छे वाले फेस्टिवल्स हैं, जैसे 13th को है लोहड़ी और 14th को है मकर संक्रांति। तो मैं भी आज ना स्पेशल सा कुछ कुक करने वाली हूँ, जिसे आप मकर संक्रांति या लोहड़ी वाले दिन बना सकते हो, और ये एक स्पेशल थाली होने वाली है। मेरे ससुराल में ना मकर संक्रांति नहीं होती है, तो मैं मकर संक्रांति वाले दिन ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जैसा घर में चला आ रहा है मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। और कहते हैं ना शादी के बाद अपने लॉस की तरफ के आपको नियम मानने चाहिए, जानती हूँ आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हम अपने मैके और ससुराल दोनों के ही रीति रिवाज मनाने लगे हैं। और अच्छी बात भी है, हमने इतने सालों अपने मैके से इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो आज की स्पेशल थाली बनाने के लिए जो भी चीज़ें मुझे बॉयल करनी थी उनको मैं सबसे पहले बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्पाइस इन्फ्यूज़र ले रखा है जो कि स्टेनलेस स्टील का है, जिसमें मैंने सारे के सारे साबुत मसाले चाय पत्ती डालकर छोले के बीच में इस तरीके से प्लेस कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी। छोले को बॉयल होने में समय लगता है, इसलिए स्टार्टिंग में सारी चीज़ें वही करने वाली हूँ जो कि ज़्यादा टाइम लेती हैं। यहाँ पर दूध भी बॉयल हो चुका है, चाय भी साइड बाई साइड बन रही है, और एक स्पेशल चीज़ और बनने वाली है आज, है साग और मक्का की रोटी, क्योंकि यार हम लोहड़ी फेस्टिवल के लिए ये थाली तैयार कर रहे हैं तो इसमें साग बनाना तो बनता है। तो साग को धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉश करना होता है 4 से 5 बार। इसी बीच में हम मैं चाय पीने के लिए आ गई थी, क्योंकि प्रशांत बोल रहे थे कि चाय ठंडी हो जाएगी, विंटर है अब ज़्यादा देर चाय छोड़ ही नहीं जाती, तो जल्दी जल्दी गर्म गर्म पी लो। तो फिर यहाँ पर वापस से किचन में आके मैंने साग को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुकर में ज़रा सा ही साग जो है वो पूरा भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, गैस नीचे से ऑन रखती हूँ, तो धीरे धीरे वो साग जो है वो हल्का पड़ने लगता है, और जब वो हल्का पड़ने लगता है तो बाकी का साग भी उसी में डाल के एंड सॉल्ट डाल के मैंने उसे बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी साइड हमारे छोले बॉयल हो गए थे, और मैंने यहाँ पर स्पाइस इन्फ्यूज़र निकाल लिया, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि शावर लेने से पहले मैं वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे घर की क्लीनिंग हुई या फिर मुझे मॉपिंग करनी या कभी झाड़ू वगैरह लगाना हुआ, वो सब मैं नहाने से पहले करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद फ्रेश लगना अच्छा लगता है। कुकिंग में की अलग बात है, कुकिंग तो करने में आजकल बहुत मज़ा भी आ रहा है विंटर में। तो यहाँ पर मेरी आंटी से बात चल रही थी, और हम लोग यही टाइम होता है जिस टाइम हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं।
तो सुबह के सारे छोटे बड़े काम ख़त्म करने के बाद मैंने ले लिया था शावर। शावर लेने के बाद मैंने जल्दी से कार्डिगन डाला। ये कार्डिगन मैंने सेकंड टाइम ही पहना होगा। ये लास्ट ईयर मैंने ओसवाल की शॉप से लिया था, जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, जिस पे डिस्काउंट चल रहा था, तो वैसी ही शॉप थी वो भी, तो वहाँ से लिया था मैंने। एंड उस थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग का स्किन केयर किया। मैं क्रीम लगाती हूँ मॉर्निंग में, जिससे कि स्किन मॉइस्चराइज रहे। एंड इधर प्रशांत भी रेडी हो रहे थे, उन्हें भी कहीं जाना था। मैंने तो ये गर्म वाला कार्डिगन पहन लिया, बहुत गर्म करता है ये। प्रशांत आज संडे है फिर भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत की गाड़ी की जो चाबी है ना वो बैटरी से चलती है, मतलब उसकी जो सारी ही चलती हैं लेकिन इसकी जो बैटरी है वो जल्दी खत्म होगी। हाँ, तो इसे चार्ज करवाने जाना पड़ेगा। बंद कर दे। पूजा हो चुकी है, उसके बाद किचन में वापस आकर मैंने साग को चेक किया और बीटर की हेल्प से इसको इस तरीके से चला रही हूँ, जिससे कि अच्छे से मैश हो जाए। बीटर है तो बीटर की हेल्प से चला लीजिए, वरना जो पाव भाजी मैशर होता है आप उससे भी इसी तरीके से चला सकते हो। और जब अच्छे से ये चल गया, देन मैंने मक्के का आटा मंगाया हुआ था, तो मक्के के आटे को मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया था कटोरी में, और गर्म पानी में इसको थोड़ी देर भिगो दिया और अच्छे से चला दिया। एंड देन इसके बाद मैंने इसे साग को भी ना मैंने गैस पर रख दिया था, तो साग बन रहा था साइड बाई साइड। इसको भी बहुत देर और चलाना है इसी तरीके से, चमचे से मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में। और मैंने मक्के का आटा इसमें मिला दिया, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सरसों के साग का। सरसों के साग में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर खूब सारा लहसुन ले लीजिए जितना आपको पसंद है, और उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। और इसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे, लेकिन साग को पकने देना है धीमी आंच पर इसी तरीके से, लेकिन पूरी तरीके से नहीं ढकना है, कवर करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें से स्टीम बाहर निकलती रहे। तो इस तरीके से आप साग को काफ़ी देर तक पका लीजिए। और मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो तड़का लगाया है वो है सरसों के तेल का, एंड सेकेंड जो लगाऊंगी वो देसी घी का लगाऊंगी। इसमें मैंने अदरक डाली, लहसुन डाल दिया खूब सारा, हरी मिर्च डाल दी 2-3। इस तड़के में हमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही प्लेन लगाना है। साग को फिर से मैंने 1-2 बार और चला लिया, साग अच्छे से पक चुका है, क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है, इसमें मैंने ये वाला तड़का लगा दिया। सेकंड तड़का मैं जब लगाऊंगी, जब मैं इसे सर्व करूंगी। और यहाँ पर मैं छोले की भी तैयारी करने लगी। मैंने कद्दूकस कर ली थी प्याज, छोले मेरे बॉयल हो ही चुके थे, अदरक हरी मिर्च लहसुन ये भी मैंने चॉप कर लिया था, तो बस अब इसको तड़का ही लगाना था छोलों को। कुकर में मैंने ऑयल डालकर उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ी सी फ्राई कर ली थी, उसके बाद मैंने अनियन भी डाल दी, अनियन भी फ्राई हो गई। देन मैंने इसमें मसाले डाले एक एक करके, और मसाले जो थे वो बेसिक मसाले थे, लेकिन फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। मैं यहाँ पर कोई भी छोले मसाला नहीं यूज़ करने वाली हूँ, फिर भी आप नोटिस करोगे कलर एंड टेस्ट दोनों ही बढ़िया आने वाला है। तो कभी घर पर छोले मसाले नहीं है तो डोंट वरी, आप ये चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसके अलावा अनारदाना डालिए, चाट मसाला डाल दीजिए इसमें, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए और सॉल्ट डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि छोले मसाला डालने के बाद आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए, मसाले को अच्छे से भून लीजिए। जब मसाला भून जाएगा तो ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा, तब हम इसमें छोले भी डाल देंगे। छोलों का कलर वैसे ही बहुत बढ़िया आया था। पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालने वाली, क्योंकि मैं इसे रनी नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ पर मैंने छोले में बस एक ही विसल लगानी थी, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें रेडी थी। अब हम तैयार करेंगे मक्के के आटे की रोटी। तो मक्के के आटे को सबसे पहले छान लीजिए, जिससे कि बारीक आटा छनकर नीचे आ जाए। हल्के गुनगुने पानी से आप इस आटे को लगा सकते हैं, मसल मसल कर आपको इसे लगाना होता है, बिल्कुल चिकना कर लेना होता है। और मैं आपको रोटी भी बनाकर दिखाऊंगी। मैं भी धीरे धीरे मक्के की रोटी अच्छे से बनाना सीख रही हूँ, मतलब कोशिश अभी भी मेरी जारी है। और वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट जब रोटी का आटा बचा था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने लोई ली, एंड दोनों हाथों के बीच में इसको मैं बड़ा कर रही हूँ। हाथ को थोड़ा बीच में गीला करते रहिए हल्का सा पानी लेके, एंड देन मैंने इसको जिस तरीके से मैं इस टाइम दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से भी आप हल्का हल्का बड़ा कर सकते हो। जितना छोटी रोटी आप बना पा रहे हो उतनी बना लो, ज़्यादा बड़े के चक्कर में
मत पड़ो, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए देन तब आप बड़ी रोटियां बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रोटियां सारी तैयार कर ली हैं, लेकिन ये मैंने अभी पकाई नहीं है, मतलब गैस पे मैंने घुमाई नहीं है अभी इस रोटी को, ये अभी कच्ची मैंने बनाकर रख ली है, जिससे कि जब हम खाने बैठे तो इनको बस एक बार गैस पे सेकना रह जाए। इस बीच में मैं कढ़ी की भी तैयारी कर रही थी, थोड़ी सी प्याज की पकौड़ियाँ भी मैंने साइड में निकाल ली थी। बचपन से ही ना जब मम्मी कढ़ी बनाया करती थी तो मैं उनसे प्याज की पकौड़ी ज़रूर बनवाया करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पर हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक तैयार करेंगे एक और तड़का, जिस तड़के को हम तैयार कर रहे हैं सरसों के साग के लिए, इसे हम देसी घी में बनाने वाले हैं। लहसुन की साबुत कलियाँ ले लीजिए, थोड़ी साबुत लाल मिर्च ले लीजिए, 2-3 हरी मिर्च ले लीजिए, स्लिट ज़रूर कर लीजिएगा मिर्च को, अदरवाइज़ वो चटक जाती हैं। और इस तड़के को आप लगा सकते हैं सरसों के साग में, आप इसके ऊपर बटर भी रख सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपका सरसों का साग। हाँ, अब जो हमने जो मक्के की रोटी कच्ची तैयार करके रखी थी उनको ना तवे पे एक बार गरम कर लेना है, और फिर उसके बाद गैस पे अलट पलट करके आप इन्हें सेक सकते हो, और ये काफ़ी कुरकुरी, जितनी भी आपको कुरकुरी पसंद है या सॉफ्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। बटर या देसी घी लगा के आप इन्हें सर्व कर सकते हो। चलिए असेंबल कर लेते हैं अपनी इस स्पेशल थाली को। जो भी सामान मैंने आज बनाया है वो सारा का सारा इस थाली में मैं एक एक करके सर्व कर रही हूँ। थाली देखने में ही नहीं गाइज, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और मुझे इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आया, घर पर ही ना रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो चुकी है। विंटर में जो भी चीज़ें हमें पसंद आती हैं वो मैंने सारी की सारी इसमें इंक्लूड करी हैं, क्योंकि ये है हमारी मकर संक्रांति और लोहड़ी की थाली। सुपर डुपर महाराजा थाली लग रही है, अब रुका नहीं जा रहा, अब इन चीज़ों को टेस्ट करना तो बनता है। और आज मैं और प्रशांत एक ही थाली में खाने वाले हैं, क्योंकि ये सामान ही इतना सारा है, और घर में इन सारी चीज़ों को बनाने में जो मज़ा आया है ना उसका तो बात ही अलग है। गाजर का हलवा हमारे घर में हमेशा विंटर में रहता ही है, और ये वाले जो आटे के लड्डू हैं ये रिसेंटली बने ही थे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो मैंने तैयार करी हैं, ये हैं गुड़ वाले लड्डू, और ये है रेबड़ी, गाजर का हलवा, आटे के लड्डू, चिक्की, और मेन कोर्स में हमारे हैं पकौड़ी प्याज की, पिंडी छोले, सरसों का साग, कढ़ी। कढ़ी जब बनाई थी तभी मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली ये सोच के कि बेसन से ही बनेंगी। तो यहाँ पर है रायता बूंदी का, और सैलेड, सैलेड में मैंने मूली ज़रूर रखी है क्योंकि सरसों के साथ मूली का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारे मक्के की रोटी। कैसा लगा आपको आज का मेन्यू बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आज तो एक ही थाली में खाने वाले हैं हम लोग, शेर और बकरी, मतलब बकरी मैं हूँ, शेर ये है। तो बड़ा मजेदार सा लग रहा है। तुम्हें इतना लेट हो गया वरना खाना तो कब था। हाँ, गाड़ी की मतलब जो चाबी है ना उसमें रिमोट में बैटरी पड़वानी थी, तो दोनों में ही बदलवाया, एक बैकअप की होती है एक वो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, 1.5-2 घंटे लग गए, और तब तक रीमा ने खाना तैयार किया। लेकिन 1.5-2 घंटे में इतना सारा खाना तैयार नहीं, उससे पहले सुबह से लगी हुई थी। अच्छा, सुबह से मैंने मतलब उबालना वगैरह सब कर लिया था, जैसे साग उबालना, छोले उबालना। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग तो एंजॉय करते हैं ये थाली रीमा की बनाई हुई, मैं और रीमा मतलब दोनों ही मिलके खाएंगे, ऐसे तो हम दोनों ही फिनिश कर सकते हैं। और आप लोग भी इसमें से बनाइए, और वैसे ये कुछ मकर साग और मक्के की रोटी, वाह वाह बहुत अच्छा होना है। चलिए दोस्तों बस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलूंगी आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना, बाय बाय, शेयर जरूर करिएगा। And happy Lodi and happy Makar Sankranti in advance. Bye bye. Bye bye.